त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। आज के 5 दिवसीय योग शिविर के पहले दिन के प्रातःकालीन सत्र में आप सभी ग्रामवासियों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और अब हम लोग अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे, अनुलोम विलोम के फायदे को भी समझेंगे और अनुलोम विलोम किन किन बीमारियों में लाभ देता है उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो आइए ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, बायां हथेली को घुटना पर रखते हैं और दाहिने हाथ को ऊपर उठा लीजिए और अंगूठा के बगल की जो तर्जनी अंगुली है उसको मोड़ लीजिए, ऐसे मेरे जैसा देख लीजिए ऐसा। हाँ ठीक है। अब दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पे रख लीजिए और बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरिए, फिर बाएं नासिका को मध्यमा अनामिका से बंद कर लीजिए और दाहिना अंगूठा हटाकर दाहिने नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़िए, फिर दाहिने नाक से भर लीजिए, फिर दाहिना बंद करिए और बायां से धीरे धीरे छोड़िए, फिर बायां से भरिए, बायां बंद करिए और दाहिना से छोड़िए, फिर दाहिना से भर लीजिए, दाहिना को बंद करिए और बायां से छोड़िए, एक बायां से लीजिए, बायां बंद करिए और दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिने से भरिए। 5 मिनट तक करेंगे। सबकी आंखें बंद, निधि को आप समझ गए, दाहिना बंद करना, बायां से लेना, बाबू जी बंद करना, एक ही दूध आज कम है नहीं है, तीने पुगा दिए दे दे, आज तीने पुगा रहने दीजिए। धीरे धीरे अभ्यास थोड़ा, ये जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक लाभ नहीं मिलेगा। ये 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक अभ्यास रोज करना है और जो व्यक्ति 15 मिनट तक अभ्यास करेंगे उनको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, उनको कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, हार्ट में ब्लॉकेज नहीं होंगे, नस नाड़ियों में रक्त का प्रवाह संतुलित और संयमित होगा, कभी भी अशांत नहीं होंगे, मिर्गी की बीमारी, पागलपन की बीमारी, क्रोध, तनाव, अनिद्रा से छुटकारा मिलता है। और जिनका ब्लड प्रेशर हाई है उनके लिए तो यह संजीवनी बूटी है। 5 दिन कर लीजिए और ये 5 दिनों में ही ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है, लेकिन उसके लिए आधा आधा घंटा और एक एक घंटा सुबह शाम करते हैं। खूब प्रेम पूर्वक अपने आप को प्राणों के हवाले करिए। आजकल लोग ना शराब के हवाले करते हैं, खैनी के हवाले करते हैं, तनाव क्रोध के हवाले जीवन कर देते हैं, मीट मछली अंडा के हवाले कर देते हैं, लेकिन जब अनुलोम विलोम करेंगे तो यह जीवन प्राणों के हवाले होगा, परमात्मा के हवाले होगा, परमात्मा के चरणों और परमात्मा के हाथों में जीवन सौंप देते हैं। आप मन ही मन गायत्री मंत्रों का भी जप करते हुए इस अभ्यास को कर सकते हैं, आपके अंदर एकाग्रता और बढ़ेगा। बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और जो मानसिक कार्य करने वाले लोग हैं उनके लिए तो इतना लाभकारी है कि इसकी बखान हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं, उसके बखान उसके अभ्यास को करके महसूस कर सकते हैं। बच्चा का दिमाग तेज होता है, पढ़ाई में मन लगता है, जो पढ़ता हो याद होता है, कभी भी बड़ा होकर के गलत रास्ते पर उसका कदम नहीं बढ़ता है, उसके चरित्र खराब नहीं होते हैं और उसका उज्जवल भविष्य होता है, माँ बाप का कहना मानता है और अपने जीवन को राष्ट्र की सेवा में समर्पित करते हुए जीवन को विराट बनाता है। यह अभ्यास करने से हम संकीर्ण नहीं विराट होते हैं, हम छोटे नहीं बड़े होते हैं, हम अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए जीने लगते हैं, इतनी विराटता है। और जब अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं, बाएं नासिका से
और दाहिने नासिका से जब बार बार सांस प्रश्वास की क्रियाओं को करते हैं तो ईड़ा पिंगला के जागृत होने से सुषुम्ना नाड़ी में प्राणवायु प्रवेश करता है और धीरे धीरे अश चक्रों का जागरण यानी मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्रार चक्रों तक यह जागरण होने लगता है और जितने हमारे अंदर अंग हैं वो सब अंग अपने मूल स्वरूप में स्थापित होने लगते हैं और जब अंग ही मूल स्वरूप में स्थापित हो जाए तो हम भी उसी रूप में स्थापित होकर के हमेशा सात्विक एवं आध्यात्मिक रास्ते पे चलने लगते हैं और बीमारी तो ये बोनस में ठीक हो जाते हैं। बीमारी के लिए चिंता मत करिए, बीमारियों के लिए तो ब्रह्मास्त्र है। अनुलोम विलोम का रोज 15 मिनट अभ्यास करिए और इसके फायदे को महसूस करते हुए अपने जीवन को आरोग्य पवित्र और सशक्त समृद्ध बनाइए। ये है योग प्राणायाम और अनुलोम विलोम की महिमा।